ना जाने क्या था उसमें, उसे देखा और देखते ही चला गया। मुझे आपसे और सोबिया से मिलने का बहुत शौक था। मैं भी तो देखना चाह रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरे बेटे को पसंद आएगी। मैं बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती हूँ, दरअसल मेरी टांग थोड़ी कमजोर है। तो क्या हुआ, टांग कमजोर है ना, इरादे तो मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि मजबूरी आन पड़ी है। क्यों, क्या कहा हुआ? तुमने हमारा केस लड़ने से इनकार कर दिया है बेटा। इनकार कर दिया? अगर क्यों? कैसी आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम पढ़ने क्यों नहीं आते? लो, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे तो इल्म ही नहीं था। जिन्हें पढ़ने का शौक होता है ना, वो इस तरह से बेखबर नहीं रहते। दरअसल आमिर भाई के हादसे के बाद मैं समझा आपने पढ़ाना छोड़ दिया। परेशानियाँ तो आती रहती, लेकिन इंसान वही कामयाब होता है जो अपने मकसद पर डटा रहता है। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब्बा जी के डर से हिम्मत टूट जाती है। हिम्मत करनी पड़ती है महबूब। मुझे देखो, मैं एक लड़की हूँ, एक टांग से माजूर, फिर भी हिम्मत नहीं हारती। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो मैं महबूब से आपके मुतालिक पूछ रही थी। मेरे मुतालिक? जी, आमिर भाई के लिए दुआ करवानी थी। तुम्हारे अब्बा ने कहा था मुझसे, किसी गैर महरम के साथ यूं खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं है। तुमने अपने अब्बा को बताया कि तुम मुझसे पढ़ने आते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात कर रही हैं आप। क्यों? वो उसे गलत समझेंगे, नाजायज कहेंगे। महबूब, तुम लोग भी कहाँ रहते? मुझे लगता है कि मौलवी साहब से भी मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। अभी तो मैं घर जा रही हूँ। खुदा हाफ़िज़। महबूब आया? ओहो, से अचानक ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, अरे बच्ची 10 मिनट पहले ही आ जाती। क्यों, 10 मिनट पहले क्या था? 10 मिनट पहले वो तुम्हें देख ही लेते। कौन? अम्मी, अब कौन आया था? इमरान अपनी अम्मी को लेकर आया था। इमरान को? अब बनो मत और मुझे भी ना बनाओ, तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं किसी इमरान की बात कर रही हूँ। अम्मी, मैं जिस इमरान को जानती हूँ ना, वो कभी यहाँ नहीं आएगा। आपको पता है मैंने उसकी पहली बॉल पर छक्का मारा था और मारे शर्मिंदगी के आज तक मेरे सामने नहीं आया। और वैसे भी उसकी अम्मी है ही नहीं, वो अपनी अम्मी के साथ आया था और उनका नाम शगुफ्ता है। अम्मी कसम ले ले, मैं किसी इमरान को नहीं जानती। बारा वो फिर आने का कहती है। अम्मी पता नहीं आप किन लोगों को घर बुला रही हैं, और मुझे वैसे भी शादी करनी नहीं, मुझे क्रिकेट खेलनी है। तो उन लोगों को तुम्हारे शौक का पता है? उन्हें कैसे पता है? वो तुम्हें क्रिकेट खेलते देख चुका है। मैंने नहीं देखा अम्मी किसी को। भारत जो कुछ भी, बहुत अच्छे लोग, तुम्हें तो बहुत माकूल लगे ये लंबी गाड़ी में आए थे। अम्मी पता नहीं क्या मामला है आप। कोई मामला नहीं है, वो अपनी तस्वीर देके गया है ना। अच्छा लड़का, मैं तुम्हारे अब्बू को दूँ, वो जांच पड़ताल कर लेंगे। मुझे नहीं समझ आती अम्मी आपकी। नहीं आ रही चाय तो पिला दो मुझे। और कुछ चाहिए साथ में आपको? अरे अब हो गई, एक प्याली चाय तो मांगिए। अब क्या पूछगिछ करनी भाई, अब तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है एक माह में शहर को साफ करने का, बल्कि वॉल चॉकिंग भी खत्म होनी चाहिए। क्या यह मुमकिन है सर? नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। अगर ये काम कोई भी काम करने का सच्चे दिल से फैसला कर ले, वो काम हो जाता है। लोगों से मुराद आवाम है या हुकूमत? लोगों से मुराद लोग है, इन्हें फिरकों और ग्रोहों में तकसीम ना किया जाए तो बेहतर होगा। ये हुकूमत, इदारे, आवाम, ये सब लोग ही हैं, और सबका मकसद पाकिस्तान को साफ रखना होना चाहिए। सरकारी वकील अपील में जाने का कह रहे हैं, ये उनका बुनियादी हक है। वैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, मुतलका इदारे को चाहिए कि वो वक्त जाया ना करें और काम करें। सारा कसूर हुकूमत अदारों का है, अवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप फिर उसी ग्रोहबंदी में जाते हैं। मैंने गुजारिश की है कि हम सब लोगों को एक कौम बन कर रहना चाहिए। जब कोई कौम मिलकर नहीं रहती, काम नहीं करना चाहती,
تو پھر وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، گروہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے عادات تبدیل کرنے کا مہم چلائیں گے؟ مجھے آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اسلامی ملک میں اسلام بچاؤ ریلی چلانے کی ضرورت کیوں پیش آتی۔ مذہب میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے، سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو، معاشرے کو، حکومتی اداروں کو صاف ستھرا رکھیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سر، اسی ٹاپک پہ ہمارا چینل کل پروگرام کر رہا ہے، آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کل آپ آ سکتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا۔ سر کوشش نہیں، پلیز آپ آئیے گا، کیونکہ آپ کے بغیر یہ پروگرام ادھورا ہے۔ میں ضرور آؤں۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔ آئیے سر۔ یہ ہمارا وکیل کیا کرتا پھر رہا ہے؟ ایک معمولی وکیل سے ہار گیا ہے۔ کورٹ نے ایک ماہ میں پورے شہر کی صفائی کو آرڈر دے دیا ہے۔ تو سر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کو اس میں پریشانی کی کوئی بات نظر نہیں آتی؟ میرا مطلب ہے سر، یہ کوئی ہار جیت کی بات تو ہے نہیں۔ کورٹ نے شہر کی صفائی کا آرڈر کیا ہے تو اچھی بات ہے۔ اچھی بات تو ہے، لیکن یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوگا؟ باجی یہ دوائیاں دے دیں۔ یہ دیکھو عائشہ بی بی، یہ دوائیاں تو یہاں نہیں ہیں، تمہیں بازار سے لینی ہوں۔ بازار سے؟ بازار سے کیا مفت ملیں گی؟ بی بی بتایا نا کہ یہاں دوائیاں ختم ہیں، تمہیں بازار سے لینی ہوں گی۔ میں بازار سے کیسے لے سکتی ہوں؟ میں تو اتنی غریب ہوں، یہ بھی تو سرکاری اسپتال کے دھکے کھا رہی ہوں، ایک ایک بیڈ پہ تین تین مریض پڑے ہوئے ہیں۔ اب ساری قوم بیمار ہے تو ہم اتنے سارے بیڈ کہاں سے لائیں؟ مجھے نہیں پتا، آپ لوگ تو دوائیاں بیچ کے کھا جاتی ہیں۔ وہ بی بی دوائیاں جو ہے نا مریض کھاتے ہیں، ہم لوگ نہیں کھاتے۔ اور یہ تم لوگوں کو تو مفت کی چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے، تعلیم مفت، علاج مفت، کتابیں مفت، ہر چیز مفت چاہیے۔ ووٹ بھی تو مفت لیتے ہیں۔ باجی مجھے ڈسچارج کر دیے گئے۔ ہاں تم گھر جاؤ۔ مگر میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں گھر نہیں جا سکتی، وہ رو رہا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد ڈسچارج کیا، تم جاؤ۔ ہاں جاؤ، اور اپنے بچے کی صفائی کا خیال رکھنا۔ اور ہاں، بچے کو دودھ پلانے سے پہلے اچھی طرح صابن سے اپنے ہاتھ دھو لینا۔ چلو بہن، یہاں نصیحتیں ملتی ہیں، دوائیاں نہیں۔ یہ تو بک بک چلتی رہے گی، ہماری مجبوری اور مسائل کا کسی کو کیا علم؟ میرے ہسبینڈ جیل میں ہیں۔ جی یہ بھی بتایا تھا، بہت افسوس ہوا۔ مگر جب مجھے پتا چلا کہ آپ کے بھائی وکیل ہیں تو میری آدھی پریشانی کم ہو گئی۔ آپ فکر نہیں کریں، میرے بھائی یقیناً آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل ٹاک شو آپ کی فیورٹ ہوسٹ سمینہ پیرزادہ کے ساتھ، جس میں ہمارے گیسٹ ہیں آپ کے فیورٹ سیلیبریٹیز۔ ابھی ہمارے چینل سپیک یور ہارٹ کو سبسکرائب کیجیے اور انجوائے کریں ہماری لیٹسٹ ایپیسوڈز، کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے دل سے دل تک۔ سو بی دیئر۔ گڈ۔ بزنس کے سلسلے میں میں نے ملک سے باہر جانا تھا، میرا خیال اب میں چلا جاؤں۔ میرے خیال سے ابھی فی الحال یہ نہ ہی کریں تو اچھا۔ کیوں؟ حالات ہیں، کبھی بھی بدل سکتے۔ تم ہر وقت ہمیں ڈراتے کیوں رہتے؟ برے وقت سے ڈرنا ہی چاہیے۔ تو اب کیا خدشات ہیں تم کو؟ دیکھا سر، نواب علی کمزور انسان تھا، میری دھمکی میں آ گیا، لیکن اگر کسی پاورفل وکیل نے یہ کیس لے لیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تمہاری بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم جانتے ہو کہ مجھے لاکھوں کا نقصان ہوگا، وہ بھی اس نالائق کی وجہ سے۔ نہ کام نہ کاج، کیا بولوں گا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ کیا؟ آج کل حکومت صفائی پہ کافی زور دے رہی ہے۔ ہاں جانتا ہوں میں، لیکن اس سے ہمارا کیا تعلق؟ تعلق بنائیے نا سر، اپنا بیٹا اور پیسہ دونوں صفائی پہ لگائیے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب میں کچرا اٹھاؤں گا؟ جیل میں ذلت اٹھانے سے بہتر ہے باہر کچرا اٹھا لو۔ جیل کا کچرے سے کیا تعلق؟ دیکھو، یہ اس قسم کی مہم، صفائی مہم میں کام کرنے سے نیک نامی بڑھتی ہے، چینل میڈیا اس بات کو بہت کوریج دیتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سر، لوگ نہ جانے کتنے چہرے بدل لیتے، کتنے لبادے اڑ لیتے، مگر اسے کون سمجھائے۔ یہ کام کیجئے سر، اور جب یہ کام ہو جائے تو اس کے بعد میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے، جسے شعیب کی جان ان دونوں کیسز سے آرام سے چھوٹ جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیا؟ جلدی بتاؤ۔
वो आइडिया ये है कि हम आमिर से एक डील कर सकता है। एक कत्ल की सजा भी फांसी है और दो की भी, इसी बहाने उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। हम उसको कुछ पैसे दे देंगे कि वो दूसरा सुंदस का कत्ल भी अपने सर पर लेता। बात तो ठीक है, लेकिन कितने पैसे चाहिए होंगे इसके? ज्यादा नहीं, बस यही कोई 50 लाख। तो किस किस बच्चे ने अपनी अम्मी को हाथ धोने के बारे में बताया? शाबाश, मुझे तो अम्मी ने डांट भी दिया बाजी। क्यों डांटा? क्यों? अम्मी कहती हैं सुबह बाजी को तो कोई काम ही नहीं है, सारा दिन हाथ धुलवाते रहती हैं। शुरू शुरू में ये सब बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मुझे तो अम्मी ने थप्पड़ मार दिया बाजी। थप्पड़ क्यों मारा? वो ये कहती हैं कि अब तुम मुझे हाथ धोना सिखाओगे। अम्मी से कहना कि थप्पड़ मारने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, वो भी साबुन से। ये सीरियस बात है, हाथों से जरासीम ट्रांसफर होते हैं। मैं तो अम्मी से कोई बात नहीं करूंगा। बच्चों, आप सब में से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी, आज मैं आपको हाथ धोने के मजीद स्टेप्स बताऊंगी, ठीक है? जी बाजी। जी बाजी। आप सब आए मेरे साथ। सब बच्चे आ जाएं। आप आगे आइए। अक्सर आप सबको हाथ धोने के पहले दो स्टेप्स बताएंगे। सब बताएंगे कि हाथों को ड्राई कैसे करना है। तो टॉवल यूज क्यों नहीं करना? गुड, वेरी गुड। चलो अब हम क्लास में जाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। ये देखिए तस्वीर तो देखें, बहुत पैसे वाले लोग हैं। अंजाम तो वही होना, फिर खुश होने का फायदा। क्यों भाई, हर दफा अंजाम वही क्यों होगा? मुझे कभी कभी अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है। काश हम सोफिया के बचपने में गफलत न करते तो आज हमारी बच्ची मासूर न होती। कोई गफलत वफलत नहीं की हमने, नसीब में किस्मत में लिखी हुई थी चीज, एक हो गई। एक तो हम हर चीज को नसीब के खाते में डाल देते, कभी नहीं होगा कि अपनी गलती मान ले, नसीब में लिखा था। दफ्तर का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे? अच्छा छोड़, इंतहाई माकूल लोग हैं, फिर आने का कह के गए। अरे भाई, तो 100 दफा आए, मैं कब मना कर रहा हूँ कि ना आए? है ना, मैं भी यही कह रही हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सोबिया को मत बताना, क्योंकि उस बच्ची को इनकार सुनकर बहुत तकलीफ होती और मैं अपनी बेटियों को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो मैं कौन सा अपनी बेटियों को तकलीफ में देख सकती हूँ? और हर दफा इनकार ही क्यों होगा? आप ये क्यों सोच रहे हैं? ना सोचे ऐसे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं गई थी आज उनके घर, बहुत अच्छे लोग हैं। एक ही मुलाकात में किसी के अच्छे या बुरे होने का फैसला नहीं हो जाता, पता चल जाता है। जब आपके दिल में बदगुमानी नहीं होती ना, तो आपको सब अच्छे लगते हैं। और पता है, अनायदा इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव लड़की है, उसने मेरी इतनी रहनुमाई की। हौसला अफजाई तो सभी करते हैं, मगर हेल्प कोई नहीं करता। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी हेल्प भी करेगी। और कितने लोग हैं उनके घर? भाई, भाभी, एक भतीजी। अनायदा बता रही थी कि उसके भाई वकील है, और पता है जो हमारे मोहल्ले में सफाई की मुहिम शुरू हो रही है ना, वो भी उन्हीं की वजह से शुरू हो रही है। उसके भाई का नाम शाहरुख तो नहीं है? हाँ, आपको कैसे पता? आजकल न्यूज में शाहरुख साहब का नाम बहुत लिया जाता है। अनायदा बता तो रही थी ऐसा कुछ। मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, सुबह चलते हैं। नहीं, सुबह नहीं, मुझे अभी मिलना है उनसे। अभी बाजी, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं लगता। साहिल किसी वक्त भी दरवाजे पे जाके दस्तक दे सकता है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि रात काफी हो चुकी है, आप आराम कर लेती हैं। मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? मेरा आमिर इस वक्त जेल में है, प्लीज मुझे ले चलो वहाँ पे, मुझे जाना है। चले। हमारे घर में ना मजीद अब इस सियासत की कोई जगह नहीं है। बकवास ड्रामा।
जिस औरत की वजह से मर्द को इस माशरे में जगह मिली, मकाम मिला, उसी को छोड़ दिया। एडवोकेट शाहरुख हमारे साथ बात कर रहे थे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, कोर्ट ने हमारे शहर की सफाई और कचरा उठाने का हुक्म दे दिया है। अरे आप लोग इस वक्त, वो हमने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपको? मेरा वो मतलब नहीं था, आप लोग परेशान लग रहे हैं। जी, ये मेरी बड़ी बहन है आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप लोग आए ना अंदर प्लीज। सोबिया ने काफी जिक्र किया था आपका, तो मैंने सोचा मिल लेते हैं आपसे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मिलने मिलाने में देर नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है, सोबिया ने आपको बताया तो होगा? जी, सोबिया ने बताया था कि आप नर्स हैं किसी हॉस्पिटल में। जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड जेल में हैं। जी, ये भी बताया था, बहुत अफसोस हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर। मगर जब मुझे पता चला कि आपके भाई वकील हैं, तो मेरी आधी परेशानी कम हो गई। आप फिक्र नहीं करें, मेरे भाई यकीनन आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे वो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन मैं देख कर आती हूँ। अगर वो सो गए तो मत उठाइएगा, हम सुबह आ जाएंगे। सुबह कैसी बातें कर रही हो, अगर सो भी गए तो मैं उठा दूंगी, वैसे भी रात काम भागी जा रही है। आप एक इंतजार करें, मैं आती हूं। जी, बिना वजह डिस्टर्ब कर दिया हमने इन्हें। डिस्टर्बिंग कैसी, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आ जाओ नायदा। बेल बजी थी, कौन आया? जी भाभी, सोबिया और उसकी बहन आयशा आए हैं। क्यों? भाई से मिलने आए हैं। आपसे मिलने कोई आया? मुझे मिलने आया कोई? जी भाई, सोबिया और उसकी बहन आयशा आए हैं। ये कौन है, मैं तो नहीं जानता इनको। अब तो आप बहुत फेमस हो गए ना, लोग आपको जानते हैं। अभी अभी न्यूज चल रही थी। मैं थका हूं, मना कर दो फिर बुला लेना कभी। आपको मिलना पड़ेगा, वो अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, और आपको पता है डॉक्टर्स और लॉयर्स कभी नहीं थकते। उन्हें बोलो ऑफिस में जाके मिले, किसी के घर का सुकून आराम बर्बाद करने का क्या मकसद है? लेकिन भाभी वो मुसीबत में है, और हमारे मोहल्लेदार भी तो हैं, और फिर क्या पता ये केस भी भाई के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो जाए। थैंक यू भाई। आ रहे हैं भाईजान। अगर वो सो गए थे तो आपने नहीं उठाना था उन्हें। सोबिया, आ रहे हैं, आप लोग बैठे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आपको इस वक्त जहमत दी, लेकिन आप सो रहे होंगे। नहीं, वो एक्चुअली बेटी को सुला रहा था तो मेरी भी आंख लग गई। अब बैठे बेटा, जाओ कोई चाय शाय लेके आओ। जी नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। बैठे तो सही। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मेरे हस्बैंड आमिर को बेगुनाह कत्ल केस में फंसा दिया गया है, हालांकि उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल बेगुनाह है। और मैं आपके पास यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि शायद आप हमारी कोई मदद कर सकें। कौन देख रहा है उनका केस इस वक्त? हमें आपने कोई बात नहीं की? कौन सी बात? कैसे लगे वो लोग? बिल्कुल सीधे साधे रिवायती से लोग हैं, और एक ही मुलाकात में कैसे पता चलेगा? वैसे सोबिया का घर और उसकी अम्मी को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि खानदानी लोग हैं।
लेकिन मैं जिसे देखने गई थी वो तो घर पर ही नहीं थी। ये तो है। मुझे जिसमें दिलचस्पी थी अगर उसमें कोई नुक्स होता ना तो मैं खानदान की छानबीन करवाती। उसे लगता है वो लोग बासानी मान जाएंगे। कोई जरूरी नहीं। जरूरी क्यों नहीं है? अरे ऐसा रिश्ता कहाँ से मिलेगा उन्हें? बेटा बेटी का मामला बड़ा नाजुक होता है। लेकिन अम्मी रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना पड़ता है। लेकिन लड़की वाले बड़े एहतियात के साथ चलते हैं बेटा। वो क्यों? अब मेरा रिश्ता होने जा रहा है इसलिए या कोई और वजह है? पागल हो गए हो तुम। दरअसल ये बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी बातें करके ना इन छोटे लोगों के साथ बड़े अजीबोगरीब फ्रॉड करते हैं। हाँ पिछले दिनों आपके किसी अजीज के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना। हाँ तभी तो हम एक दूसरे से बड़े मोहतात हो गए। हमें लड़की वाले भी फ्रॉड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लड़की कोई और दिखाते हैं और डोली में किसी और को बिठा कर भेज देते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं लगते। कोई जरूरी नहीं। किसी के मुंह पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है, वरना हम धोखा कैसे खाएंगे। तुम सारी बातें छोड़ो और आराम से जाके सो जाओ। जाओ शाबाश। पता नहीं कहां कहां की बातें लेके सोचता रहता है। लगता है कि भाई के पास केस आना शुरू हो गए। शाहरुख की मसरूफियत को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। ना सलाम ना दुआ आते ही तंस के तीर बरसाने शुरू कर दिए हैं। अरे भाई हम तो खुश हो रहे हैं कि किस्मत की देवी किसी पर तो मेहरबान होना शुरू हुई ना। खुश हो रहे हैं या जालिस हो रहे हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो शाहरुख, हम तुम्हारे दोस्त हैं, भला तुमसे क्यों जालस होंगे? जालसी करीबी दोस्तों से ही फील होती है मेरे भाई। और ये मुफ्त का केस है, यहाँ पर आप लोगों की जालसी की जरूरत वैसे भी नहीं है। हाँ मुफ्त का। और उससे बड़ा दुख ये है कि मेरे मुद्दई का केस कमजोर भी है। अरे ऐसी बात है तो फौरन केस छोड़ दो, कमजोर केस तो लेना ही नहीं है शाहरुख, भले तुम्हें इसके बदले लाखों रुपए क्यों ना मिले। शाहरुख नजीब ठीक बोल रहा है, तुम ये केस छोड़ दो, सारे लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर लगी हुई हैं। अगर ये केस तुम हारते हो तो तुम्हारी वकालत की मौत होगी। कुछ काम इंसानी हमदर्दी के तहत भी करने चाहिए। लो हमदर्दियां ही ले डूबती हैं मेरे भाई, तारीख गवाह है, इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने वालों ने ही हुकूमतें की हैं। अरे भाई तुम तो टॉक शो में जाने की तैयारी करो, आजकल सबसे ज्यादा ज़हीन शख्स वो है जो टॉक शो में ज्यादा बोले। बोलने वालों की ही कीमत है मेरे भाई, सबर करने वालों और खामोश रहने वालों को कुछ नहीं मिलता। आप जैसे समझदार इंसान ने कभी गलत बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ऊंची हवा में हो आज सर। नहीं सर, कोर्ट के बाहर खड़ा लगाकर बैठने वालों की क्या ऊंचाई सर। अपनी औकात में रहना अच्छी बात, आपसे ही सीखा है सर। तुम्हारे अपोजिट खड़ा हूं मैं। वाकई सर, क्या मेरी इतनी औकात हो गई है सर? तुम्हारी पिल को चैलेंज कर रहा हूं मैं, इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा सर। तैयारी कर लो और हाँ मुझे बताना जरूर किस केस में तुम्हें पहली पेशी पे फारिग करना है या दो चार पेशे चलने भी एक केस। हर वक्त गुस्से में। अब मजा आ रहा है कुछ जिंदगी जीने का। अब तो वही है ना जिसने मुझे एडवोकेट आतिफ से झगड़ा करने का मशवरा दिया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहां बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर।
पता है मुझे, ये भी पता है कि उसका मियाँ एडवोकेट है और मैंने उससे केस भी डिस्कस किया। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा है कि फाइल देखी मैं फैसला करूंगा कि क्या करना है, मगर अम्मी जहां तक मुझे लगता है बात फाइल की नहीं है, बात फीस की है। अब कौन हो जो हमारा केस फ्री में लड़े? सीबत खाना, किस अजाब में जान आ गई मेरी, क्या करूंगी मैं? सोबिया की शादी करना चाहती थी मैं, कहां से करूंगी? सब यही पूछते हैं कि दामाद क्या करता है तुम्हारा, पता है जेल में, किसको क्या मुंह दिखाऊंगी? तो करें शादी अम्मी, किसने मना किया आपको? क्या मतलब है किसने मना किया, क्या कह के करूंगी? सब पूछते तुम्हारा दामाद क्या करता है, कैसे बताऊं, जेल में है वो। तो अम्मी आप उन्हें बताएं ना, आमिर कौन सा पेशावर कातिल है? पेशावर कातिल नहीं है आशा, लेकिन अभी तो जेल में है ना। गलती आप लोगों की है, कसूरवार आप हैं। क्या क्या बकवास कर रही? तुम्हारी शादी आमिर से करके हमने गलती की है, है? आमिर से शादी की नहीं, बल्कि आमिर के पैसे आतिफ अंकल को देने की गलती। काश कि अब्बू ये सब कुछ ना करते तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे तो लगता है मैं बेकारन बन के रह गई हूँ और आप लोगों को सोबिया की शादी की पड़ी है। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है अम्मी, सोबिया की शादी की जो पैसे रखे हैं वो आप मुझे दे दें ताकि मैं अच्छा सा वकील करके आमिर के लिए लड़ सकूं। क्या मसला है और क्या क्या कहूँ मैं तुम्हें? क्या हो गया आप लोगों को, क्यों झगड़ रहे हैं? कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? सारे मोहल्ले ने सुन लिया और क्या सुनेंगे। आप दे दें बाजी को पैसे, मुझे नहीं करनी शादी। तुम अपनी मंतक अपने पास रखो। देखो सोबिया, तुम्हारी शादी तक मसला हल हो जाएगा और वैसे भी आमिर की बेगुनाही साबित होते ही आतिफ अंकल की बीवी हमारे पैसे वापस कर देंगी। वाह वाह, क्या अच्छी मंतक लेकर आई हो तुम। है क्या हुआ सर, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हारी उलझन समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है फिर? नथिंग मत सर, बस कभी कभी मेरा दिल बुझ सा जाता है। दिल मत छोड़ो, दिल छोड़ने वाले हार जाते हैं। मैं भी हार जाऊंगी यही लगता है मुझे। क्यों? कॉमिक टीम में मुझे कोई भी सिलेक्ट नहीं करेगा और कोई भी मेरी फेवर नहीं करेगा। तुम्हारी गलत फहमियाँ फजूल है, मेरे लिए तुम सब लोग बराबर हो और तुमने अनायदा से बहुत गलत बात किया जिस पे मैंने नोटिस नहीं लिया। नहीं सर, मैंने अनायदा से कुछ नहीं कहा। पूरी कॉम का यही मसला है, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अनायदा इधर ही आई है सर। उसके साथ अपना बिहेवियर ठीक रखो। ओके ओके। हेलो बता दिया ना सब कुछ? मुझे ठीक नहीं लग रहा था किसी को भी अंधेरे में रखना। तो बताकर कौन सी रोशनी डाल दी तुमने? देखो ये सब की अपनी अपनी सोच की बात होती है। अभी तुम भी तो सर के साथ बैठी हुई थी, मैंने तो कुछ गलत नहीं सोचा, मेरे जहन में तो कोई गलत बात नहीं आई। ये अपनी जर्व की बात होती है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कम जर्व हूँ? कम जर्व तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कम अकल जरूर है। अरे मैंने यही कहा ना कि आज तुमने मुझे फोन किया है, मैं देख रहा हूँ कि आज सूरज मशरिक से तलू हुआ है मगरिब से। सूरज मेरे बिल्कुल सर पे है तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकती कि सूरज किस सिम से मतलू हुआ है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। फहद, मुझे अनायदा के बारे में तुमसे बात करनी है। अभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करो। तुम्हारे बारे में क्या पूछना, ठीक तो हो, अच्छे से जिंदगी एंजॉय कर रहे हो? फजूल लगता है सब, तुम्हारा साथ चाहिए था। बेकार है ये सारी बातें, जिसके सिवा सब फजूल लगता है। बाज़ औक़ात उसे पाके ही सब फजूल लगने लगता है। क्या शाहरुख तुम्हें फजूल लगने लगा? फहद अभी मुझे शाहरुख के बारे में नहीं, अनायदा के बारे में तुमसे बात करनी है। अनायदा? अनायदा की क्या बात करनी है? मुझे तुम ये बताओ कि वाकई उसमें टैलेंट है या हमारा पैसा और वक्त बर्बाद कर रही है। देखो उस लड़की में टैलेंट है, तुम लोग उसे अंडरएस्टिमेट करते हो। आज उसे पहली दफा अगर मौका मिला है अपने टैलेंट को निखारने का तो उसे
करने दो। तो हमें टीम में भी जा सकते हो। ओके। केस का कोई बंदोबस्त? कोशिश कर रही हूँ। क्या कोशिश कर रही हो तुम? मुफ्त में हमारा केस कौन लड़ेगा? पैसे कहाँ से लाऊं आमिर? अपने अबू से बात करो यार, उधार दे दें या किसी से लेकर दे दें। तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी? इनकार कर दिया। इनकार ही समझो, जब उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे? आतिफ अंकल की बीवी से बात करें। इन हालात में कर्ज का तकाजा करना नामुमकिन है। सुलह की बात तो हो सकती है। सुलह? जानते भी हो कि किस कदर गुस्से में है वो। गुस्सा वो कातिल पर निकालें, मैं कातिल नहीं हूं। यही तो मसला है, बेगुनाह होने के बावजूद मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रही। तो आशा क्या मतलब है इस बात का कि मैं अपनी बेगुनाही की भेंट चढ़ जाऊंगा? अभी एक वकील से मिलकर आई, फाइल देकर आई हूँ और अभी वापसी भी फिर उसी से मिलना है। कौन है वो? वकील है, शाहरुख नाम है उसका, सोफिया की दोस्त अनायता का भाई है। इंसान कैसे? देखने में तो इंसानों जैसा ही लगता। बीवी से बात करो, उसे सुलह करने की कोशिश करो। पैसे ना दें तो कम से कम सुलह ही कर ले वो हमसे। आमिर तुम्हारे लिए तो मैं उनके कदमों में भी गिर जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं मानेंगी। एक पराए मर्द के पास में तुम्हें कैसे भेज दूं? तुम्हें मुझ पे एतबार करना होगा आमिर। जी तुम पर एतबार है आयशा, मगर लोगों पर नहीं किया जा सकता। मजबूरी है, तुम्हारे लिए तो मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। बात का ख्याल रखना आयशा, मुझे बचाने के लिए कोई सौदेबाजी मत करना। मौत तो आनी ही है, लेकिन अगर इज्जत चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। शाहरुख भाई से मिली आप? नहीं सोफिया, नहीं मिल सकती। क्यों? आमिर ने मना कर दिया था। आमिर भाई ने मना कर दिया, लेकिन क्यों? कभी कभी एक कैदी के अंदर भी शोहर बोलने लगता है। और काश ये मर्द हजरात जुर्म करने से पहले माँ बेटी और बीवी का ख्याल कर लिया करें तो क्या ये अच्छी बात है। आमिर मुजरिम नहीं है अम्मी, आपको कितनी दफा बताऊं? आप बार बार ये बात करके मुझे क्यों टीज कर रही हैं? मैंने तो आमिर का नाम भी नहीं लिया, मैं तो मर्दों को कह रही हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर। आपकी हर बात में एक तंज होता है। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्यों इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो? सारी आवाज बाहर जा रही है। कुछ नहीं अबू, बस आयशा बाजी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। बेटा आयशा घबराते नहीं है, घबराने वाले बुजदिल होते हैं, हिम्मत से काम लो। जब अपने ही मुसीबत में तंज करने लगे और कॉल लेने से अवॉइड करने लगे तो क्या करना चाहिए? अच्छा बेटा देखो, मैं तुम्हें झुठला नहीं रहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझो। मेरी मजबूरी से ज्यादा बड़ी मजबूरी है आपकी। कितनी कॉल्स की है मैंने आपको, सर आप अपना फोन चेक करें। बेटा शहर में सफाई मुहिम चल रही है, मैं सेक्रेटरी साहब के साथ था, मिनिस्टर साहब साथ थे, मेयर साहब साथ थे, मैं तुम्हारा फोन अटेंड नहीं कर सका। तुम बुरा मत मानो। ठीक है, मुझे शाहरुख वकील से मिलना है। शाहरुख वकील से? मगर आमिर ने कहा था कि अकेले नहीं जाना, अब्बू को साथ लेके जाना है। चल ये भी अच्छा होगा, ऐसा करें आप नौकरी छोड़ ही दे, छुट्टी लेके घर बैठ जाओ और ये काम धंधे निपटाते। गुस्सा मत करो, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दो। ठीक है अब्बू, आप अम्मी की बातें सुन लें, मैं अपने मसाइल खुद हल कर लूंगी। आयशा बाजी, आयशा बाजी। अरे अम्मी आपको क्या हो जाता है, क्यों ऐसे करने लग गई हैं आप? क्या करने लग गई हूँ मैं? जिस मसले का कोई हल ना निकले उसे छोड़ ही देना चाहिए। हल तो ढूंढना ही पड़ेगा ना नुसरत, क्यों गुस्से हो रही हो, जज्बाती हो रही हो? सोफिया बेटी तुम बताओ ये शाहरुख का क्या किस्सा है,
और ये आयशा ने उसे कैसे अप्रोच किया? जी, क्या हुआ है आपको? आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? आप अम्मी की बातों को दिल पर क्यों ले लेती हैं? अम्मी परेशान है इसीलिए कुछ ना कुछ कह देती हैं आपको। मुझे सिर्फ अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है। किस्मत को क्यों इल्जाम दे रही है? ये तो आजमाइश है और अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। मायूस नहीं हूं सोबिया, तो ये आंसू? आंसू तो अल्लाह ताला की रहमत को मतवजा करते हैं। मैं आपके साथ, आप मुझे बताइए कब जाना, अभी चलें? कहां? शाहरुख भाई के पास। नहीं नहीं, मैं शाहरुख के पास खुद चले जाऊंगी, चाहे उसके लिए आमिर कितना भी गुस्सा करे। सुनो, मुलाकात आई है तुम्हारी। बेचारी ख्वामखा खच्चर ख्वार होती फिरती है, कौन सुनेगा एक बेबस औरत की फरियाद। अब तो वही है ना जिसने मुझे से झगड़ा करने का मशवरा दिया था। मगर सिर्फ सबूत किया तक ये नहीं कहा था उसका मर्डर करो। मैंने एडवोकेट आतिफ का मर्डर नहीं किया है। लगते तो मासूम हो, मगर इस बात को साबित कौन करेगा? सबूत है तुम्हारे पास? मेरी बीवी कोशिश कर रही है। अरे आप बड़े बड़े तुर्रम खान थक गए, वो बेचारी औरत कब तक इस सिस्टम से लड़ेगी, थक जाएगी। मेरे ससुर भी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी है मुखालिफ पार्टी तुम्हारी कितनी स्ट्रांग है? तुम्हें फंसाने के लिए चश्मदीद गवाह भी तैयार कर रखे हैं। जब मैंने एडवोकेट आतिफ का मर्डर किया ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कहां से आ रहे हैं? मेरे भाई, बात समझने की कोशिश किया करो। जब जेब में पैसा हो तो वकील भी आ जाते हैं और चश्मदीद गवाह भी। सच झूठ की किसको परवाह? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? देखो, तुम्हारी तो कोई औकात है नहीं। वो एडवोकेट आतिफ एक फिल्मी अदाकारा का केस लड़ा था, उसके पास सबूत थे, उसको तो मरना ही था, मगर तुम बिला वजह मारे जा। असलम भाई प्लीज मुझे बचा लीजिए, तो यहां से निकाल ले, प्लीज मुझे बचा। यही तो मसला है, बचा नहीं सकता, अलबत्त सौदा करवा सकता। सौदा? हाँ, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी बीवी सब खुशहाल। सौदा, खुशहाली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बहुत आसान सी बात कर रहा हूँ। एक कत्ल की सजा मौत है तो दूसरे की भी मौत ही। अगर तुम अदाकारा सुंदस का मर्डर भी अपने सर पर ले लो तो 50 लाख तक दिलवा दो। पचास लाख? हाँ हाँ, 50 लाख। तो अभी चलता हूं, सोच लो। एक तो